लो भाई आ गया हमारा नया लैपटॉप। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज हमारा नया लैपटॉप आ चुका है। मतलब काफ़ी दिन से आप भी सोच रहे होंगे कि यार मेरे केवड़िया के ब्लॉग अभी तक अटके हुए हैं। मतलब मैंने एक ही डाल पाया हूँ और उसके बाद कोई ब्लॉग ही नहीं डाल पाया क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, लैग कर रहा था मेरा लैपटॉप और इस वजह से मुझे दूसरा एक लैपटॉप मंगाना पड़ा। वैसे भी मुझे ज़रूरत थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि वो तकरीबन उसको 9 से 10 साल हो चुके हैं पुराने वाले लैपटॉप को, तो अब वैसे भी ये अपडेट का टाइम आ चुका था। हमने कर लिया अपने लैपटॉप को थोड़ा सा अपग्रेड और मंगा लिया हमने एक नया लैपटॉप। अब कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। ये कोई ऑफिशियली टेक्नोलॉजी चैनल तो है नहीं, तो मैं आपको जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। तो मैं बैठ चुका हूँ अपने सिंहासन पर, यानी अपने गद्दे पर जहाँ बैठ के मैं यूजुअली काम करता हूँ, और ये रहा हमारा डब्बा और इसे खोलने वाले हैं अब हम। हथियार ये रहा, तो अमेज़ॉन के डब्बे को हटाते हैं फ़िलहाल, तो अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। लैपटॉप ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मतलब खोलो डब्बा और कुछ और मिलता है, जैसे फ़ोन के डब्बे में से साबुन निकलता है, जूते के डब्बे से कुछ और निकलता है ना, तो इस वजह से देखते हैं हमारे डब्बे में क्या है। भगवान करे लैपटॉप ही हो, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रखा है। मतलब तो ये रहा हमारा लीजन और अब हम इसे खोलेंगे। चलो उतारते हैं लेनोवो की सील, एकदम पैक बंद डिब्बा है और इसे उतारने में एक अलग ही आनंद है। वाह, चलो भैया खुल जा सेम सेम। पहले मैं इसे खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आदमी ओवर एक्साइटमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है। मैं काफ़ी देर से इसको बेचारे को खींच रहा था, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ थी, मैंने इसे ओपन ही नहीं किया और अब तो बड़ी आसानी से ओपन हो रहा है। ये तो लैपटॉप से निकली है इसकी जन्म पत्री बिल, और ये कुछ स्टिकर्स लीजन के, और आया है एक हमारा चार्जर जो कि है बहुत ही बड़ा सा, काफ़ी हैवी चार्जर है यार। तो 230 वॉट का चार्जर है, बहुत ही हैवी ड्यूटी चार्जर है। मतलब कह रहे हैं कि भाई आधे घंटे में काफ़ी हद तक 40-60% चार्ज कर लेगा, तो देखते हैं। और ये रहा हमारा प्यारा सा लैपी लैपी टैपी। चलो भैया खुल जा सिम सिम, मैं सिम थोड़ा प्यार से खोल लेता हूँ वरना गिर विर ना जाए। पहला पहला दिन है, कोई नुकसान नहीं करना चाहता। तो ये हमारा पुराना लेनोवो, ये हमारा नया लेनोवो लीजन। वेट में तो लगभग इक्वली है, कुछ खास अंतर नहीं है। ये तकरीबन 9 साल पुराना है जबकि, और ये 8 लिया, तो बहुत ही सुंदर है। क्या मतलब डिज़ाइन विज़ाइन फिनिशिंग बहुत ही क्लासिक है, और जो लीजन की ब्रांडिंग है मतलब बहुत ही क्लास। चलिए इसे ओपन करते हैं। वाह ये क्या चीज़ है, ये है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर रीसेंट लेनोवो परचेज, और ब्ला 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 ब्ला। शायद रजिस्ट्रेशन के लिए अपग्रेड योर वारंटी नाउ इन 3 स्टेप्स। अच्छा, वारंटी अपग्रेड करने के लिए, तो इसे हम बाद में देखेंगे। ये इसका जो कपड़े हैं इसको थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं फिलहाल के लिए। और अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है राइजन 5 AMD का 5600H, NVIDIA की 4GB इसमें ग्राफिक कार्ड है, GeForce GTX 650, लीजन है ऑब्वियसली, तो लीजन तो अब मतलब अपने ब्रांड से ही फेमस है लेनोवो का। और इसमें और क्या खास है, इसमें कूलेंट है, RGB कीबोर्ड है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो बताई गई है उसके हिसाब से RGB कीबोर्ड है। अभी देखेंगे हम इसमें RGB कीबोर्ड है कि या नहीं, क्योंकि जब मैंने इसके रिव्यूज़ में चेक किया था तो लोगों ने बताया था कि इसमें RGB कीबोर्ड भी नहीं है और इसमें कूलेंट का 3.0 फीचर नहीं है, 2.2 का समथिंग कुछ है। तो बहुत सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके मतलब सेलर द्वारा, तो वो देखेंगे हम क्या क्या गलत दे रखा है। जैसे बैकलिट का, जैसे मैंने बताया कि RGB नहीं है इसमें, मतलब है या नहीं है तो मैं खुद कन्फर्म करूँगा जब इसे चालू करूँगा तब। ये पेंटम ब्लू कलर का है वैसे बता दूँ मैं आपको, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट है, मतलब अभी नया नया है तो बहुत ही मतलब, और बटन्स के बहुत ही स्मूथ है वाकई में। इसमें विंडोज़ 10 आएगा ऑफिशियली और विंडोज़ 11 अपग्रेडेबल है। अब देखते हैं कब होता है अपग्रेड, वो मतलब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही होगा। फिलहाल हम इसे नीचे ले जाके इसको थोड़ा सा पूजा करेंगे और उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे। लेनोवो की लाइफ है कुछ भी कहो। अभी जो मेरा ये पुराना लैपटॉप भी है इसको मतलब कितना यार 9-10 साल होने को आया, लेकिन आज भी देखो मतलब तंदुरुस्त है। इसमें सिर्फ एडिटिंग रिलेटेड थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं, बाकी ठीक है यार, इतना बुरा नहीं है ये। ये भी कोर i5 वाला है मेरा
और बहुत ही अच्छा है, क्लासिक है, अभी भी देखिए कितना नया नया है, मतलब रखता मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से। और अब तो ये है हमारा नया नया, ये दे देंगे पापा को, ये हो गया हमारा, बस दो लैपटॉप बहुत है। साइड की बात कर लेते तो इसमें बड़े बड़े वेंट दे रखे हैं, और ये है टाइप सी का और हेडफोन जैक का मतलब सॉकेट। और उस तरफ देखते हैं तो हमारे हैं लेनोवो की ब्रांडिंग तो है ही है, साथ में यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे है शायद यूएसबी का सॉरी एचडीएमआई पोर्ट, और एक कैमरा किल स्विच दे रखा है, मतलब जो ये आपका कैमरा है उसे हम डायरेक्टली यहाँ से बंद कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बटन दे रखा है आपकी प्राइवेसी के लिए, बहुत ही बढ़िया है। और पीछे है इसके बाकी दूसरे सॉकेट्स, ये RJ45 का और ये है टाइप सी का, और ये है हमारे दो तीन दो यूएसबी का, एक एचडीएमआई पोर्ट है, तीन यूएसबी है और चार्जिंग प्लग है। और पीछे से बात की जाए तो सॉलिड वेंट दे रखे हैं, मतलब सच में इसे अब गर्मी नहीं लगने वाली, ये मतलब हॉट नहीं होने वाला, नहीं तो बहुत ही थर्मल इश्यू होता था, बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता था मेरा पुराना लैपटॉप, लेकिन अब इसमें शायद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे पहले ही स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि अगर हमने वो कुमकुम और मौली वाली कर लिया प्रोग्राम तो उसके बाद इसे रिटर्न करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे शायद पहले चेक कर लेना चाहिए, मुझे एक बार स्टार्ट कर लेना चाहिए, एक बार स्टार्ट करके सब कुछ देख लेता हूँ और फिर जो भी हमारा पूजा का कार्यक्रम है हम दोबारा कर लेंगे, मतलब बाद में कर लेंगे। तो पहले तो चेक करना सही है मेरे ख्याल से, तो मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, हम कर लेते हैं इसे ऑन। जय बजरंगबली, राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, शायद चार्ज नहीं है, चार्जिंग पे लगा देते हैं पहले, फिर से ट्राई करते हैं। तो मैंने इसे चार्जिंग पे लगा दिया है, चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो पहले 10 मिनट चार्ज कर लेते हैं। वैसे भी इसमें मतलब बताया गया है कि आधे घंटे चार्ज करने पे पता नहीं 60-40% चार्ज हो जाएगा, तो देख लेते हैं, आधा घंटा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चार्ज कर लेते हैं 10-1 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसे ऑन करेंगे। तो हमने हमारे जो पुराना लैपटॉप था उसे भी लीजन की ब्रांडिंग कर दी है, टैटू वेटू लगा दिए हैं, लीजन का स्टिकर लगा दिया है, अब ये भी हमारा लीजन बन चुका है। चलो भैया अब दो दो लीजन हो गए हमारे पास, और इसका भी काम ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब काम मतलब बोले तो चार्जिंग हो चुकी है। चलिए श्री गणेशाय नमः करते हैं, और बाकी जो काम है वो अक्षु से करवा लेंगे हम पूजा का, एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। आए हाय हाय हाय, रोशनी चमक उठा हमारा लैपटॉप भैया, शानदार। मतलब ये क्या, इटाइट फिश हो गया क्या? हाँ आया आया, कुछ तो आया, वाह फाइनली। चलिए एक बार स्टार्ट हो जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? मैं एक बार कॉन्फ़िगर कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, जब तक थोड़ा सा स्टॉप कर लेते। तो हमारे पीसी में आ रखा है विंडोज़ 11 अपडेट, तो मैंने सोचा थोड़ा अपडेट कर ही लेते हैं, क्योंकि ये लेगा अभी थोड़ा बहुत टाइम, क्योंकि डाउनलोडिंग होगी फिर इंस्टॉलेशन होगा, मतलब अपग्रेड अपग्रेड होगा, तो अच्छा है यार, ठीक है तब तक मैं थोड़ा सा पेट पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं हमारे विंडोज़ को। देखिए हमारा पीसी शुरू हो चुका है, लीजन की बीच में आ रही है ब्रांडिंग, पता नहीं दिख ही नहीं रहा है शायद यार, हाँ दिख रहा है दिख रहा है, फोकस करने में प्रॉब्लम कर रहा है लेकिन दिख रहा है। और कीबोर्ड देखिए यार, मतलब क्या चमक रहा है, शानदार लाइट वाइट, मतलब दिवाली की ऐसा लग रहा है आज ही दिवाली आई है। 10 है फिलहाल तो विंडोज़ 10 होम है, और अपडेट होगा अभी हमारा 11 के अंदर, तो अपडेटिंग प्रोसेस स्टार्ट है, घंटे भर में इसने बैटरी चार्ज कर दी हमारी, ठीक है बाकी कंप्लीट कर लेता हूँ सेटअप और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई हमारे लैपटॉप को आए हुए 1 दिन हो चुका है, यानी कल वो आया था, और पूरी रात इंस्टॉलेशन अपडेशन और कॉन्फ़िगरेशन में चला गया, तो मैंने कहा चलो सुबह ही आपको दिखाता हूँ बाकी का जो भी मतलब हिस्सा है। तो मैंने अपडेट कर लिया एक बार, और विंडोज़ 10 के साथ आया था लेकिन अब हमने विंडोज़ 11 में से अपग्रेड कर लिया है, तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियली था, तो मैंने इसे मैं कोई पायरेटेड विंडोज़ इंस्टॉल नहीं किया है। ऐसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको तो बता ही दिया था, लेकिन मैं फिर भी फिज़िकली इसके अंदर जो कुछ है वो दिखा देता हूँ। तो इसके जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में, और आप देख रहे हैं कि लीजन 5 है हमारा जो, और AMD राइजन 5 5600H पे बेस्ड है विथ रेडियन ग्राफिक, और 8 GB इंस्टॉल्ड रैम है,
और बाकी तो मैंने आपको बताया बता ही दिया था कि एनवीडिया जी फोर जी टी एक्स 650 इसमें 4 GB के साथ इंस्टॉल्ड है। मतलब लैपटॉप जैसा एक कॉमन लैपटॉप है, अच्छा है, स्पीड अच्छी है, इसका जो कीबोर्ड है वो भी काफ़ी स्मूथ है, अच्छा है। वैसे बेसिकली इसी तरह के कीबोर्ड्स आते हैं लेनोवो के अंदर, तो कुछ खास चेंजेस नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसकी हार्डवेयर क्वालिटी मुझे हमेशा से अच्छी लगी है। एक तो ये लंबे टाइम तक चलते हैं और दूसरा मैंने कभी इनमें मेजर प्रॉब्लम नहीं देखी है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब रही बात दूसरी चीज़ों की कि ये किस तरह से मतलब स्पीड कैसी है और दूसरी चीज़ें, तो वो मैं काम करूँगा और तभी मुझे पता चलेगा। और उसके बाद में अगर आप कहोगे मुझे, कमेंट करोगे, तो इसके रिव्यू के लिए, प्रॉपर रिव्यू के लिए, तो मैं ज़रूर इसका प्रॉपर रिव्यू करूँगा। तो फिलहाल वीडियो को करते हैं यही एंड, और आशा करते हैं आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना सच में बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मोटिवेशन नहीं आता, और जब तक मोटिवेशन नहीं आता इंसान काम नहीं कर सकता। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।